रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने रचा इतिहास। 39 साल में पहली बार वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में किया क्लीन स्वीप, आखिरी मैच 96 रनों से जीता। क्या पूरी खबर दोस्तों, जानने के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को तीसरे और आखिरी वनडे मैच में 96 रनों से हराकर 3 मैचों की वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया है। मैच में वेस्ट इंडीज के सामने 265 रनों का टारगेट था, जिसके जवाब में टीम 37.1 ओवर में 169 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। ओडियन स्मिथ 36 टॉप स्कोरर रहे। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज के खाते में 3 विकेट आई। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने फिर किया निराश। टारगेट का पीछा करते हुए वेस्ट इंडीज की शुरुआत खराब रही और शाई होप को मोहम्मद सिराज ने LPW आउट कर भारत को पहले सफलता दिलाई और इसके बाद अगले ही ओवर में दीपक चाहर ने 4 गेंदों के अंदर 2 विकेट लेकर वेस्ट इंडीज की कमर तोड़कर रख दी। चौथे विकेट के लिए ड्वेन ब्रो और निकोलसन पूरन ने 49 गेंदों पर 43 रन जोड़कर टीम की पारी को संभाला, लेकिन यह पार्टनरशिप प्रसिद्ध कृष्णा ने ब्रावो को आउट कर तोड़ी। प्रसिद्ध ने अगले ही ओवर में जैसन होल्डर को कैप्टन रोहित के हाथों कैच आउट कराया। कप्तान निकोलसन पूरन भी टीम की पारी को नहीं संभाल सके और 39 गेंदों पर 34 रन बनाकर कुलदीप यादव की गेंद पर आउट हुए। वेस्ट इंडीज की आधी पारी केवल 76 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट गई थी। ओडियन स्मिथ ने 18 गेंदों पर 36 रनों की तेज तरार पारी खेली। आपको बता दें कि भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था और भारत ने 265 रन बनाए थे। श्रेयस अय्यर टॉप स्कोरर रहे, जिन्होंने 80 रन बनाए। वहीं ऋषभ पंत ने 56 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। वेस्ट इंडीज की ओर से जैसन होल्डर ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए थे, जबकि अल्सारी जोसेफ और हेडन वॉल्स ने 2-2 विकेट चटकाए। सो दोस्तों, रोहित शर्मा का इस प्रकार वेस्ट इंडीज पर क्लीन स्वीप आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और क्रिकेट की ऐसी खबरों के लिए क्रिकेट आज तक को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।